गुरुग्राम से अगली बड़ी और अहम खबर है। सेक्टर 37 में एक युवक को गोली मारी गई है और सेक्टर 37 के रामा गार्डन के पास गोली मारी गई है। चांदवीर नामक युवक को गोली मारी है और गोली लगने के बाद चांदवीर को मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि गोली चलाने वालों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। तो आपको बता दें कि युवक की हालत गंभीर है, मेदांता अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। हमलावरों का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। तो यह अहम खबर, मौके पर पुलिस पहुंच गई है, फिलहाल जांच जारी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गुरुग्राम में ये युवक को गोली मारी गई है। रामा गार्डन के पास ये गोली मारी गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस युवक को गोली लगी है उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। गुरुग्राम से योगेश ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या है पूरा मामला, आखिरकार क्यों गोली मारी गई युवक को और पुलिस क्या कुछ कह रही है? आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के सेक्टर 37 डी में एक चांदवीर नामक युवक को गोली मार दी गई, जिसके छाती पे गोली लगी है। और अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कोई आपसी रंजिश है जिसकी वजह से इनके ऊपर गोली मारी गई है। पुलिस जांच में जुट गई है और घायल को भी मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, हालत गंभीर बताई जा रही है। जी योगेश, मामला क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या किसी पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी गई? जी, जैसा कि अभी पुलिस ने अभी तक बताया है कि पुरानी रंजिश है कोई, और बाकी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अभी आगे से आगे कुछ बोलने में कतरा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो मौके पर पुलिस पहुंच गई है, फिलहाल जांच जारी है। तो गुरुग्राम में युवक को गोली मारी गई है, कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। रामा गार्डन के पास गोली मारी गई है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि युवक की हालत बेहद नाजुक है।